मार्केट to लगातार नीचे गिर रहा है लोग काफी ज़्यादा पैनिक में आ रहे हैं एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 44,000 का रीजन फाइनली टच करके आ सकता है तो क्या है इसके चांसे? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या हमारे पास बीच में स्मॉल बाउंस एरियाज हो सकते हैं क्या यहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल आने के कुछ चांस है या नहीं है इन सब चीजों के बात करेंगे तो तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से एंड लेट्स स्टार्ट विद द वन डे चार्ट इंस्टेड ऑफ फोर आवर चार्ट एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे वन डे दे के चार्ट को तो इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड क्यों यहाँ पे हमारे पास एक स्पाइक आया है इसके बाद स्पाइक के बाद ये नीचे गिरा है उसके बाद लगातार जो है नीचे गिर रहा है एंड एम भी अभी भी एग्रेसिवली डाउनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे स्लो डाउन होने के चांसेस तो काफी कम लग रहे हैं हमारे पास टेंटेटिव सपोर्ट है यहाँ पे अराउंड फिफ्टी थ्री नाइन हंड्रेड के आसपास लेकिन जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि इस सपोर्ट पे आया था प्राइस एंड उसके बाद एक विक मारी थी उसने नीचे तक एंड दैट वाज नॉट अ स्मॉल विक बहुत लंबी विक थी फोर्टी एट थाउजेंड डॉलर तक ऑलमोस्ट ये विक गई थी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फिफ्टी से स्टार्ट हुई थी छह हजार डॉलर की ये विक थी एंड ये जो है आई थिंक इस बार भी हो सकता है वी माइट सी अ ब्लीड डाउन टिल फिफ्टी थाउजेंड एंड फिर उसके बाद एक विक मार सकता है ये टिल फोर्टी फोर के ठीक है तो ये पॉसिबिलिटी कभी मत भूलना क्योंकि लिक्विडेशन जो है मार्केट को चाहिए होती है लिक्विडिटी जो है क्रैप करने आता है मार्केट मार्केट के सेंटिमेंट जनरली बेरिश है स्पेशली एसपीएक्स को देख के ये मत समझो कि क्रिप्टो गिर रहा है तो क्रिप्टो की गलती है यहाँ पे गलती है एस की है क्योंकि एस भी लगातार गिर रहा है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एरिया जो है एज अ बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस काम करेगा बिकॉज ये था एक हमारे पास गैप ये गैप जो है हमारा फिल हुआ था फिर वहाँ से कभी ऊपर मार्केट जा नहीं पाया नया ऑल टाइम हाई बना नहीं पाया है एंड उसके बाद ये जो है नीचे जा रहा है विदाउट मेकिंग अ हायर हाई तो इसका मतलब क्या है कि दैट्स नॉट गुड ये जो है बहुत बुरा है मार्केट के लिए एंड वी नीड इट टू बाउंस बैक फ्रॉम दिस एरिया लेकिन इसके भी डेली मूविंग एवरेजेस जो है एग्रेसिवली डाउन हो गए हैं एंड एस पी एक्स में जो है इतनी जल्दी चेंज नहीं आता है यहाँ पे अगर आप देखोगे जब एग्रेसिवली लास्ट टाइम डाउन हुए थे तो काफ़ी नीचे तक होके आया था मार्केट ऑल दिस वॉज अ जापान क्रैश लेकिन यहाँ पर भी आई थिंक फिफ्टी कैन बी अ प्रॉब्लम तो सितंबर जो है बेरिश रहने वाला है मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा बेरिश रहेगा बिकॉज ऑफ दिस टुबैकल जो कि दो तीन दिन पहले नहीं था एक ही कैंडल में जो कि जो है ये बन गया था बट एस पी एक्स को प्रोडिक्ट करना बिटकॉइन को प्रोडिक्ट करने से भी ज्यादा हार्ड है वाई बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से रिकवरी करी एस पी एक्स ने एंड यहाँ पे हो सकता है कि रिटेस्ट करे अपना बॉटम भी ये भी एक पॉसिबिलिटी है तो so इन सारी पॉसिबिलिटीज के लिए आपको रेडी रहना है ठीक है ये मत समझो कि यार मैंने तो बाय कर रखा है या मैंने लॉन्ग खोल रखा है या फिर एक्स वाई जी बंदा ट्विटर पे बुलिश है तो मैं भी यहां पे बुलिश हो जाता हूं आपको स्टार्ट आपको देखना है कि रियलिटी क्या है मार्केट की मार्केट की करंट रियलिटी यह है कि एस पी एक्स अभी बेरिश है जब तक ये एम ए के ऊपर फ्लिप नहीं होता है तब तक आपको बुलिश नहीं होना है एंड ट्राई टू लुक फॉर शॉर्ट्स जिस दिन ये फ्लिप हो गया उस दिन आपको भी फ्लिप हो जाना है कि अब तो हम बुलिश हो गए हैं अब मैं जो है पोजिशंस बनाऊंगा अगर आपको याद होगा तो हम लोग जो है काफी ज्यादा हेजिडेंट थे यहाँ पे स्पॉट बैग्स बाय करने के लिए इवन एट दिस पॉइंट इवन एट दिस पॉइंट टेन फिफ्टीन परसेंट ही अपना कैपिटल जो है हमने यहां पे निकाला था वाई बिकॉज अगर यहां से ऊपर जाएगा तो हमें फोमो नहीं होना चाहिए लेकिन यहां से नीचे जाने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे थे एंड अभी भी मेरे पास वो कैश जो है पड़ा हुआ है और जो लोग सोच रहे थे कि भाई आपने बाय करने नहीं दिया दे आर ऑल्सो वेरी ग्लैड कि वो अभी कैश में है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता बाय वो लोग फोमो में कहीं टॉप पे करते हैं एंड अभी जो है अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता तो करेंटली अगर यहाँ पे बेदिश सनारियों जो है अच्छे से प्ले आउट हो जाता है तो मैं अपनी कुछ बेट्स लगा के रखना चाहता हूँ जो कि क्योंकि एक स्पाइक आते हैं यूजली एंड मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ वो प्राइसेस तो मैं वो बेड्स आपको बता देता हूँ अगर वो हिट हो गई तो बहुत अच्छी बात है नहीं हुई तो कोई बात नहीं अगर हम देखेंगे इथीरियम का स्पाइक तो इथीरियम का स्पाइक लास्ट टाइम आया था ट्वेंटी वन हंड्रेड डॉलर्स तक जिसमें बहुत लोगों की लंका लग गई होगी एंड दिस वॉज दी जापान क्रैश एंड यहाँ पे रीटेस्ट होने के लिए लग रहा है 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 जाने वाला है ये तो so से लेके 1950, 1900 तक ठीक है? इस areas में जो है मैं अपना दिस इज गोइंग टू बी माई बेड एरिया एंड आई डोंट वॉन्ट इड टू हिट दिस एरिया बिकॉज लिक्विडेशन बहुत सारे लोगों के हो जाएंगे लेकिन अगर आता है तो मज़ा आ जाएगा तो आई बी एडिंग एन अलर्ट हेयर ऑन द रीटेस्ट एंड ये बेड मैं जो है यहाँ पे रखूंगा इस एरिया में ठीक है अब मैं केवल उन कोइन्स पे अच्छे बेट लगा रहा हूँ जिनका मुझे पता है कि ये बाउंस बैक करने के अच्छे पोटेंशियल रखते हैं एंड यहाँ पे सोलाना मुझे नहीं लगता कि इस बार इतनी जल्दी बाउंस बैक करेगा सो आई विल बी पुटिंग माई बेड एट वेरी सेफ़ लेवल्स जहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो एंड यहाँ पे सोलाना की बेड्स जो है मैं यहाँ पे रखूँगा नाइन्टी से वन के बीच में मे बी नाइन्टी से नीचे भी जा सकता है ये लेकिन ये आई थिंक सेफ़ एरिया रहेगा अगर नाइन्टी से नीचे भी जाता है तो यहाँ तक तो बाउंस कर ही जाएगा ज़्यादा मत हो जाना ठीक है ये जस्ट मैं बेड्स रख रहा हूँ जस्ट इन केस इट हैपन्स एंड मेरे को अच्छी एंट्रीज़ मिल जाए क्योंकि बुल मार्केट के आने से पहले एक बार तो फ्लैश आउट होगा ही आई की मैं बिड्स रखूंगा इस एरिया में बिकॉज इधर ही जो है सारे के सारे सपोर्ट हैं इसके बाद इससे नीचे गया तो फिर कुछ और है नहीं इसके पास तो यहाँ पर हम रखेंगे ग्यारह से नाइन के बीच में एंड आई एल एडिंग माई अलर्ट हेयर एंड यही मेरी डिप बाइंग्स होंगी इसके बाद एवैक्स है सो so, एवैक्स करेंटली ट्वेंटी वन पे चल रहा है आई एल बी कीपिंग माई बिड एट अराउंड फिफ्टीन डॉलर्स सो फिफ्टीन डॉलर्स के आसपास आई एल बी कीपिंग माई बेड जो कि हमारा ये वाला एरिया है उसके अलावा और तो बहुत सारे रिस्की टोकन्स हैं पेपे है सो so पेपे का थोड़ा मुझे आइडिया कम है राइट बिकॉज इट्स अ मीम कॉइन तो टेक्निकली यू जज इट लेकिन अगर यहाँ पे मिल जाता है फोर्टी फाइव के आस तो आई थिंक इट शुड बी गुड इसके अलावा आयो है सो so आईओ ने अच्छा अच्छा रिकवरी करा है बार बार और ये वापस अपने इन लेवल्स पर आ गया है तो पे भी जो है मैं यहाँ पे बेड रखूँगा अब आई की बेड जो है रखना मुश्किल है क्योंकि पास डेटा नहीं है हमारे पास लेकिन अगर ये वन डॉलर पे आ जाता है तो उसके नीचे मैं इसको थोड़ा ऐड करूँगा इसके अलावा टीआ है टीया भी ओके ओके है राइट चार डॉलर पे चल रहा है सारा पम्प इसका समाप्त हो गया है तो अगर टीआ यहाँ पे साढ़े के नीचे आता है देन आई कंसिडर बाइंग इट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफी टीआ है मैंने यहाँ पे कि इधर कहीं एवरेज प्राइस पे बाई किया है तो मैं ऑलरेडी काफी लॉस में हूँ तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं करना चाहूँगा इस पर पाइथ हमारे एकदम ब्रेक इवन पे है पाइथ बिल्कुल हमने एकदम ऐसी जगह पे बाई किया है कि वो उसके नीचे आता ही नहीं है तो अगर इसके नीचे आता है तो पंद्रह के आसपास मैं जो है यहाँ पे अलर्ट डालूंगा सब कुछ आएगा स्पाइक जगह सब मारेंगे बिकॉज मार्केट में जब गिरना स्टार्ट होता है तो कोई ये नहीं देखता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है एक स्पाइक आती है और स्पाइक बाय बैक हो जाती है जैसे कि आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम सब आ चुकी है इसके अलावा टाव टाओ दो सौ के नीचे से आना बहुत मुश्किल है लेकिन आई एल ट्राई टू इट एट वन सेवेंटी फाइव तो वहाँ पर आई थिंक अच्छा प्राइस मिलेगा इवन आई थिंक डेढ़ सौ भी आ सकता है टाओ तो वो हमारी सेकेंड एंट्री हो सकती है तो ये मेरा जो कैश है ना जो मैंने उस डंप में नहीं डाला था इस डंप में हमने नहीं बोला था और हमने यहाँ पर सेल ऑफ़ किया था फिर हमने कैश बचा के रखा था राइट फिफ्टी परसेंट था फिफ्टीन परसेंट हमने जो है यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया था अब बाकी जो बचा हुआ है हमारा पैसा वैंन एरियाज़ में डिप्लॉय कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि ये ऐसे एरियाज है कि यहाँ पे अगर मुझे मिलता है एंट्री तो यहाँ से नीचे भी जाएगा मार्केट तो ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो ये मेरे कुछ एरियाज़ हैं अगर आपने बाइंग कर रखी है तो इट्स फाइन आप होल्ड करो सितंबर देखो बहुत मुश्किल होने वाला है सरवाइव करना ट्राई टू नॉट टेक लेवरेज रेट्स ठीक है मैं भी लेवरेज रेट्स नहीं ले रहा हूँ अब तभी दो तीन दिन से वीडियो नहीं आई थी आई एम अवॉइडिंग दीज लेवरेज रेट्स बाय बिकॉज ये वाले ट्रेड्स जो हैं बहुत मुश्किल हो जाएंगे मैनेज करना क्योंकि अगर आप देखोगे आज का चार्ट तो आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में ठीक है मार्केट यहाँ से बेरिश बना रहा है ठीक है बेरिश हो रहा है फिर यहाँ पे अगर आप अपना इन्वेलीडेशन रखते हो तो ये एक कैंडल में जो है इन्वेलीडेशन हिट कर रहा है फिर धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है फिर एक कैंडल में एस एल हट कर रहा है फिर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है फिर एक कैंडल में एस एल हिट कर रहा है और फिर वापस से ऊपर जा रहा है तो जब भी एक साइड पे मूवमेंट हो रहा है उससे पहले वो अपने एस सारे एक स्पाइक में क्लियर कर रहा है इसका मतलब क्या है कि मार्केट में केवल मार्केट मेकर अभी गुस्से में हैं रिटेल का पैसा नहीं है एंड मार्केट मेकर से फाइट करने का कोई फायदा नहीं है बेटर टू फाइट विद द रिटेल राइट इसलिए स्लो ब्लीड हो रहा है मार्केट क्योंकि अभी मार्केट मेकर से जो है सारा खरीद बेच कर रहे हैं ऐसा कोई रिटेल का बड़ा पैसा नहीं आया है या कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं हो रही है एंड यूजुअली आपको दिख रहा है कि जो बड़ी स्पाइक्स आ रही है वो रात को आ रही है बिकॉज ऑफ दिस दैट इज़ द ई डेटा ई डेटा लगातार सेल ऑफ़ हो रहा है एंड आई थिंक हमारे पास ये वाली कंडीशन हो गई है जो कि हमारे पास ग्यारह छः को हुई थी जहाँ पर लगातार बहुत दिनों तक सेल ऑफ़ हुआ था मार्केट में एंड ये चौबीस छः तक हुई थी राइट right? तो अराउंड जून 24 का जो एरिया था वहां तक ये जो है गिरावट आई थी हमारे पास ये है हमारे पास तो ये जो सेल ऑफ हमारा स्टार्ट हुआ था दट स्टार्टेड 11 तारीख को आई थी हैवी सेलिंग उसके बाद 12 को हल्की बाइंग हुई थी उसके बाद तेरह के बाद ग्यारह दिन तक लगातार सेलिंग हुई थी ठीक है तो ग्यारह से हमारा जो है मेन ड्रा डाउन स्टार्ट हुआ था तो अगर आप देखोगे इस डेटा को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे मार्केट स्लो था उसके बाद बड़ी एक सेलिंग हुई थी जो 11 तारीख को हुई थी फिर एक बाइंग हुई थी उसके बाद तेरह से जो है लगातार हमारे पास सेलिंग हुई थी एंड आप देख सकते हो कि उस टाइम पे क्या हुआ था एकदम स्लो ब्लीडिंग हुई थी राइट उसके बाद एक बिग वीक आई थी 24 जून को उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया था तो अगर आप कंपेयर करते हो डेटा से तो यहाँ पे 24 जून गेरा चौबीस जून तक लगातार सेलिंग हुई है इसके बाद पच्चीस से लेके अराउंड हमारे पास एक तारीख तक जो है बाइंग हुई थी छोटी छोटी बाइंग हुई थी बड़े बड़े थ्री थ्री डिजिट सेलिंग के बाद स्मॉल टू डिजिट बाइंग यहाँ पे हुई थी तो उस, उसके कारण जो है मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद हमारे पास दो जुलाई से फिर से सेलिंग स्टार्ट हुई थी विच वॉज दिस एंड दिस अब ये जो है हमारे पास पैनिक में कराया गया तो जब छोटी सेलिंग हुई है तो ये पैनिक सेलिंग हुई है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे केवल दो डिजिट की छोटी सेलिंग्स में ही एक बड़ा डंप यहाँ पे लेके आए मार्केट मेकर लोग डर जाए राइट फिफ्टी थ्री वाला जो डंप था एंड अगर आप देखते हो कि ऐसा एक स्पाइक डंप आता है बट ईटीएफ में इतना बड़ा सेल ऑफ नहीं हुआ होता है इसका मतलब क्या है कि ये जो है फोमो वाला विक था एंड यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर यूएस मार्केट ने लगातार बाइंग करी है और आप देख सकते हो उसके साथ मार्केट किस तरीके से उठा है लगातार उठा है एंड ये कब तक उठा है ट्वेंटी नाइन जुलाई तक राइट ट्वेंटी तो नाइन जुलाई तक उठा है ये आपका ट्वेंटी नाइन जुलाई है इसके बाद हल्का सा एक नेगेटिव आया जैसे ही वैसे ही मार्केट जो है पैनिक हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से जो है मार्केट अभी मैनिपुलेट किया जा रहा है लगातार रेड 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 आ रहा है जैसे ही हमें दिखेगा ये रेड कम हो रहा है या फिर ये पॉजिटिव हो जाता है वहाँ पे जो है रिवर्सल के चांसेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे तो ये भी एक डेटा है इसको मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से एंड हमारी टीम और मैं देख रहे हैं कि किस तरीके से यू मार्केट की ई टी जो है मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं किस तरीके से आप उनको स्टडी करके बॉटम या टॉप निकाल सकते हो अभी बहुत ही फ्रेश डेटा है अब मुझे इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पता नहीं है लेकिन मैं शॉर्ट में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ टू टेक स्पॉट पोजिशन क्योंकि अच्छे से परफॉर्म कर रहा है जैसे कि मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया बाकी डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा मेक श्योर टू एट द लाइक बटन सब्सक्राइब इफ यू न्यू हेयर ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फास्टर अपडेट्स